दो तारीख को कॉरपोरेशन से एक लेटर जारी हुआ कि मैसूर में मटन का रेट 500 रुपये रहना, अगर इससे से आप कोई ले रही तो नंबर भी दिया कि आप ये नंबर को ये करो, हम उनका लाइसेंस रद्द करते हैं। आज जैसे ही हम लोग मैसूर के पूरे सिटी का जायज़ा लिए तो कोई भी एक दुकान नज़र नहीं आई, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है 500 रुपये में गोश्त बेचना इम्पॉसिबल, वो नहीं बिका नहीं सकते। सब जगह ऑलरेडी बेंगलोर सब 700-750 रुपये भी चल रहा है, वैसे मैं कम भी बिका लेते थे। एक दो रोज ऑन दी कंट्रोल यहाँ भी है 700-800 रुपये के बिका दिए, उसमें अनकंट्रोल बिका, जो ये उगादी का हलाटा था इसमें बिका। इसके बाद हमें खुद कॉरपोरेशन को अर्जी दी है, हमें 760 रुपये बिका थी, 600 रुपये बिकले के था गोश्त, 600 रुपये बिकले के थे। अब ट्रांसपोर्टिंग बाजारा नहीं सो, उसमें एक 10% ज्यादा करके हमें 660 को बिका थी। तो आप अर्जी दिए? अर्जी दिए। आप मैसूर मटन एसोसिएशन के क्या हैं? प्रेसिडेंट। नाम आपका? सईद अहमद। सईद अहमद जी, बोलो सर। इसमें हमारे 660 का जो है इसका रिप्लाई हम ना 500 रुपए में बिका वो बोल को दिए। अच्छा, वो क्या समझ को दिए, वो कैसा दिए उन्होंने, और उनको भी मालूम होता कैसा बिका सकते हैं उनको। इसमें कौन भी, इसमें हमारे जितने भी ब्रदर आई उनको भी बिकाना नहीं चाहे, इसलिए हमें कौन भी आज मैसूर में गोश्त बिकाना नहीं चाहे। अच्छा, ये लॉकडाउन जब से हुआ तमाम को हर किस्म की परेशानी आए, और जैसा कि आपको मालूम है जरूरत है जिंदगी गोश्त और खासकर मटन को लोग जरा ज्यादा ये करते हैं। तो जैसे ये बंद हुआ उसका क्या आपको लॉस नहीं हुआ क्या? बहुत लॉस तो बहुत हुआ इसमें। इसके बहुत जिन्हें के सब थोड़ा गरीब तबका है, तो इसमें बहुत जिन्हें के लॉस भी है। और कोई भी दुकान करने चाहे पॉसिबल नहीं, लॉकडाउन था, तुम्हारा माल लाने के वास्ते पुलिस का ये था, माल लगा भी नहीं सकते थे, बिका भी नहीं सकते थे। वो जो इधर बाजू बाजू जाके खेड़िया में माल लगाते ना, वो चुनौत बिकाए हमें, बहुत ही बिकाते नहीं कुछ जी। अच्छा, आज जुमा है और कितने दिन ये आपका ये जारी रहेगा कि जब तक आपको इसका क्या ना, ये अब हमें कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट जा नहीं सकते जी। 500 रुपये बोल दिए वो, उस पर तो 500 रुपये को अपना बिकाने नहीं हो सकता, मतलब लॉस है आपको, लॉस होगा। हमें पब्लिक के पास उनको धोखा देके उनका पैसा भी लेना नहीं चाहते और खुद भी बर्बाद होना नहीं चाहते। अब इसमें 500 रुपये में हमें इम्पॉसिबल दे नहीं सकते, तो हम क्लोज कर दिए दुकान। अच्छा सर, आप सेक्रेटरी हैं? आपका नाम? टी अमरीश जी। बोलो सर, क्या करना, आप कैसा करना, आगे क्या करना चाह रहे हैं? आगे क्या भी करने का नहीं, उन्होंने कॉर्पोरेशन वाले हमने कब्बो हमें 660 रुपये को हमें ये दिए, उनको कब्बो 660 रुपये बिकाओ करके बोल दे, हमें तैयार है। तो 660 को जो रेट आप दिए हैं उसके लिए आप तैयार हैं? तैयार है, दुकान खोलने का तैयार है पूरा। तो मेरा सवाल ये, लॉकडाउन से आपको अर्जी 660 दिए, 60 रुपये ज्यादा, मतलब 10% आप ये करें, क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको मामूली रेट हो जाएगा? कम हो सकता, कम हो सकता, हाँ, कम हो सकता, बाजार निजाम तो गया तो कम हो सकता, मतलब तमाम आम नहीं, क्या नहीं रही तो ये तो हाँ। मॉल कम है, और बाहर का हिसाब ले तो बहुत ज्यादा है मॉल, बाहर बोले तो किधर सर? बेंगलोर में 800 रुपये है, मद्रास में वो जो लोग खरीदने आते हैं, हमें भी वो वहाँ जाकर खरीदते से उनके हमें मुकाबला नहीं करने हो रही, वो कैसा है कि हमें कर ले जा रही है, कम प्रॉफिट को हमें धंधा करते थे, धंधा कर लेते ज्यादा नहीं था, इसलिए हम ना बहुत तकलीफ है, उसमें भी हमें कर ले चलेंगे जी जी जी। मत ही का मुंदी की यात्रा ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್? ಮುಂದಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಮಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಮಾರಕ್ಕೆ ಮಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ತರಕಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಬರ್ಕೋ ಅವಕಾಶ ಬರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಲ್ ತಗೋಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಲ್ ತಗೋಬರಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ, ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಲಾರಿಗಳವೆ, ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಳಿಸಿ
ಸರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಅಂತ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೈಸೂರು ಮಠದ ಮಠ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾಗಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಸರ್.